दिल्ली के जामिया नगर में हुए हिंसक प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस के MS रांधवा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल को काफी उकसाया। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता बदलकर माता मंदिर पर चले गए जहां आम आदमी रहते हैं, और जब पुलिस बल ने कोशिश की उन्हें रोकने की तो उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी और कुछ बसों में आग लगा दी। सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा है। देखिए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली यूनिफाइड कैंपस नहीं है, ये मेन रोड है, रोड के दोनों साइड कैंपस है, इनके दो ब्लॉक्स हैं। इसमें जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें फ्राइडे को प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें हमने पुलिस अरेंजमेंट प्रॉपर किया हुआ था। उसमें हमारे सुखदेव यार, सराय जुलाना, आसपास की पिकेट्स लगाई हुई थी। तो जब ये स्टूडेंट्स वहाँ आए, इनको वहाँ रोका गया, थोड़ा बहुत इन्होंने वहाँ पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, और उसके बाद हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट दिल्ली पुलिस ने एक्सरसाइज किया। थोड़ी देर बाद ये तमाम जो स्टूडेंट्स थे ये वहाँ से चले गए। उसके बाद सैटरडे 14th को भी इसी तरह प्रोटेस्ट रहा, हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट पुलिस ने एक्सरसाइज किया, और उसके बाद भी ये वहाँ से वापस चले गए। नेक्स्ट संडे को 2 बजे के आसपास स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो जामिया के एरिया के रेजिडेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इनका प्रोटेस्ट जो है जामिया एरिया में भी हुआ। उसके बाद ये जो सराय जुलाना चौक पर आते हैं, और वहाँ भी हमारा स्टाफ था, प्रॉपर अरेंजमेंट था, मैक्सिमम रिस्ट्रेन कर रहे थे, ये काफ़ी प्रोवोक भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेन से इनको वहाँ रोका। मीनवाइल 2 से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। 4:30 बजे के आसपास सराय जुलाना से कुछ जो उनमें से प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने एकदम से रूट चेंज किया और वो माता मंदिर मार्ग पे चले गए। माता मंदिर मार्ग आपको मैं बताना चाहूँगा कि NFC के अंदर का एक रोड है, वहाँ रेजिडेंट्स हैं, मेन रेजिडेंट्स हैं। वहाँ जाके इन्होंने थोड़ा, जब इनको पीछे पुश करने की कोशिश की, थोड़ा तोड़फोड़ शुरू कर दी, और उसी में ही जो हमने मिनिमम फोर्स का यूज़ किया, क्योंकि वहाँ बसेस को आग लगा दी, वहाँ के रेजिडेंट्स की पैनिक कॉल आनी शुरू हो गई, फिर उनको पीछे खदेड़ने के लिए, ताकि जो मेन था कि उनको वापस फिर सराय जुलाना चौक और उसके पीछे जो इनका जामिया नगर है वहाँ वापस भेज दिया जाए। वहाँ जब इनको पुश किया गया तो मीनवाइल जब पीछे उनको पुश कर रहे थे, रस्ते में एक होली फैमिली हॉस्पिटल है वहाँ पे पथराव हुआ। उसके बाद और इनको पीछे किया गया, जैसे मैंने बताया कि जो कैंपस शुरू हो जाता है मेन रोड के दोनों साइड, रोड इनका कैंपस एरिया है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से पथराव हुआ है। वहाँ से बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह और बॉटल्स वगैरह भी फेंकी हैं पुलिस के, और काफ़ी पथराव हुआ है, और वहाँ पे इनको फिर पीछे पुश करके और इनको जामिया में पुश कर दिया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया गया। इसी जो जो इन्होंने वायलेंस की उसमें 4 जो है DTC की बसेस को आग लगी है, और हमारी जो पुलिस मोटरसाइकिल्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं, और 100 के आसपास प्राइवेट व्हीकल्स जिसमें मोस्टली 2-व्हीलर्स हैं, और 10 के आसपास 4-व्हीलर्स भी हैं जिनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया है। इसमें बाद में जब हमारे 30 के आसपास पुलिस पर्सनल्स, उनको भी चोट आई है, जिसमें ACP DCP रैंक के ऑफिसर्स हैं, 2 SHOs को फ्रैक्चर आया है, एक हमारा साथी अभी भी ICU में है, और मीनवाइल जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से, इनकी तरफ से भी 39 जो है MLC बनी है। मीनवाइल जब इनको चेज कर रहे थे, पीछे इनको पुश कर रहे थे, उसमें से हमने कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया था रात को, बाद में इनको वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया था। इसी इंसिडेंट पे 2 FIR रजिस्टर हुई हैं, राइटिंग और आर्सनी की FIR रजिस्टर हुई हैं। ये 1 FIR NFC में और 1 जामिया नगर में रजिस्टर हुई है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा, और हर एक जो पहलू है उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि कल का जो प्रोटेस्ट है, इसमें जो हम आपसे भी टाइम टू टाइम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें रूमर्स बहुत
चल रहे थे, मैं आपके माध्यम से तमाम दिल्ली वासियों को यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी रूमर पे ना जाएं। बच्चों को मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि बच्चे चिंता मत करें, घबराएं ना और ना ही किसी बहकावे में आए। मैं फिर स्टूडेंट्स को भी अपील करना चाहूंगा कि बच्चे चिंता मत करें, घबराएं ना और किसी भी बहकावे में मत आए। मैं आपको ये भी श्योर करना चाहूंगा दिल्ली पुलिस की तरफ से कि एक्शन जो है उन्हीं के खिलाफ लिया जाएगा जो इस इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।